मैडम है ना, हम ना एनिमल को फीड कराते हैं। मैं इनका गांधी का मैं इनका मेंबर भी हूँ पीएफए का। दो बिल्लियों को सालिस फार्म में फेंका है। हम बिल्ली हमने पाली है, हमने हम कहीं भी फेंक सकते हैं। तो इतने में पंडित जी ने अपना पत्नी कोई गुंडा बुलाया, मैं तो उनको जानता नहीं कौन था। उन्होंने मेरी गरान पकड़ ली और मेरे को घसीटता हुआ 100 मीटर 200 मीटर तक ले गया। फीडिंग कराता हूँ सुबह शाम, उनका ट्रीटमेंट भी कराता हूँ, उनको ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाता हूँ। बातचीत से सारी बातें सुलह होती है, लेकिन मारपीट करना तो गलत है ना। सब इनको बहुत मारा और वहाँ पे कम से कम 100-150 जनते कि किसी ने नहीं बचाया। और उसने कहा ये गली भी मेरी है, ये मोहल्ला ही मेरा है, एमसीडी सब मेरी जेब में, तुम्हें जहाँ जाना चले जाओ। वो कहते हैं इधर से इस कोने से लेकर उस कोने तक मकान मेरा, तो गली मेरी है ये। तो मैं रोज देखता हूँ ये कुत्तों को, मतलब एनिमल्स लवर है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जिंदल। क्या हुआ आपके साथ? मैडम है ना, हम ना एनिमल को फीड कराते हैं। मेनका गांधी का मेनका मेंबर भी हूँ पीएफए का। तो मेरे साथ ना क्या हुआ कि 24 तारीख को ना दो बिल्लियों को सालिस फार्म में फेंका है। 2 महीने पहले भी एक बिल्ली को हरिनगर डिपो फेंक के आए थे, हम उनको ढूंढने गए, हमें नहीं मिली। तो हमने उसके मालिक से पूछा, बंटी से, कि भाई ये बिल्ली कहाँ है। तो वो कहता भाई हम बिल्ली हमने पाली है, हमने हम कहीं भी फेंक सकते हैं, आप जो भी आपने जो करना तो कर लो मेरा। तो हमने फिर मेनका गांधी में मेल डाल दी। तो वो फिर मैंने मेल डाल दी तो फिर वो बोलते भाई बंटी जी बोलते कि आपने गलत किया है। फिर मैंने बिल्ली उनसे बात हो गई मीनाक्षी मैडम से, सारी मीनाक्षी अवस्थी है मेनका गांधी भी, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने सारी बात कर ली थी। मैंने पूछने का भी बिल्ली कहाँ है, तो मैं जाके ले आता हूँ। मैं उनकी दुकान पर गया तो इतने में बंटी जी ने अपना पत्नी कोई गुंडा बुलाया, मैं तो उनको जानता नहीं कौन था। उन्होंने मेरी गरान पकड़ ली और मेरे को घसीटता हुआ 100 मीटर 200 मीटर तक ले गया और कहता तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को नंगा करके मारूंगा और पुलिस मेरी जेब में रहती है, तू मेरा क्या कर ला, ये गली मेरी है, तू यहाँ पर नज़र भी नहीं आएगा मेरे को। उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। कहाँ रहते हैं वो जिन्होंने ये सब बोला? वो नांगल में ही रहते हैं, उसके रोड स्टोर के मालिक हैं, वो ओनर हैं। तो आपने कुछ किया था ऐसा जिसकी वजह से उन्होंने ये धमकी दी और आपको मारा? ली थी मेनका गांधी में पीएफ बिल्ली की ना मेल डाली थी, इसलिए किया उन्होंने। वो उनकी पालतू बिल्लियाँ थी जो उन्होंने छोड़ दी थी? नहीं, वो तो स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट की बिल्लियाँ हैं, गली की हैं, उनके स्टोर में रहती थी। हाँ जी। तो आपने क्यों मेल डाली थी इस बारे में? मेरे को उस लड़की ने बताया था, अभी आ रही है, पूजा उनका नाम है, उन्होंने बताया कि हमारी बिल्लियों को वो सालिस फार्म में छोड़ के आए हैं। तो किसी को छोड़ना रिलोकेट करना 3 साल की जेल है। मैडम ने बोल दिया वो इसलिए वो डर गए, उन्होंने अपने बंटी को पता नहीं कोई गुंडे को बुलाया और मेरे को धमकी दी जान से मारने की। उन्होंने कोई कंप्लेंट लिखवाई थी जब मारा पिटा गया आपको? मेनका गांधी में करी, अभी पुलिस कंप्लेंट लिखी हुई है, मैं दे के आऊँगा थाने में। अभी तक दी नहीं? दे नहीं है, कल जाएंगे हम। अच्छा। जी कौन सा थाना पड़ता है आपका नज़दीक? थाना मायापुरी। और जिन्होंने धमकी दी थी और मारा था उनसे कोई डायरेक्ट बात हुई आपकी? नहीं, मेरे कोई बात, मैं उनको जानता ही नहीं कौन है। कितने लोगों ने मारा था? वो खाली अकेले थे मारने वाले, सब वहाँ पे 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए थे, सब देख रहे थे, किसी ने नहीं छुड़ाया, बंटी भी नहीं छुड़ाया मेरे को। जी बंटी मेरा मोबाइल, मैं 100 नंबर कॉल करने लगा, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के बंटी को दे दिया। इसके अलावा और कोई अपडेट है इस मामले में? अपडेट तो अभी थाने में जाऊँगा, कल कंप्लेंट दे के आऊँगा। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, सेल परचेज रेंटिंग। एनिमल्स की देखभाल करता हूँ, सेवा करता हूँ उनकी, सुबह शाम फीडिंग कराता हूँ सुबह शाम उनको। हाँ जी, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को उनका ट्रीटमेंट भी कराता हूँ, उनको ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाता हूँ, पूरी सेवा करता हूँ उनकी, पूरी तन मन धन से अपने करता हूँ, पूरा पैसा 1000-2000 रुपये रोज मैं खर्च करता हूँ। तो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की थी, क्या वो बिल्लियाँ उन्हें परेशान करती थी, कुछ ऐसा करती तो नहीं करती, वजह से उन्होंने छोड़ा? हमारे स्टोर के अंदर रहती हैं, पता नहीं। अब देखो हमने कहा डंडे मार के भगा दो, आप भाई परेशान कर रही हैं आपको, भगा दो इनको यार, हमने ये बोला। उन्होंने पता नहीं क्यों इतना गुस्सा क्यों हो गए, भाई हमने एक हमारा कसूर क्या, हमने एक मेल ही तो डाली है ना भाई, मेल डालने में इतना वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, इसमें गुस्से वाली बात क्या है? कोई बात हो तो बातचीत से सारी बातें सुलह होती है, लेकिन मारपीट करना तो गलत है ना, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। वो कब मारा था आपको? 24 तारीख को। 24 नवंबर। हाँ, 3:30 पर शाम को। क्या जानते हैं इस मामले के बारे में? मैडम मैंने उस टाइम पे देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना देखा है कि ये रोज कुत्तों को अपनी जेब से खर्चा करके खाना खिलाते हैं। रोज हम देखते हैं, मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पे, मैं यहीं पे हिंदुस्तान टाइम के लिए काम करता हूँ, तो मैं रोज़ देखता हूँ ये कुत्तों को, मतलब एनिमल्स लवर है ये, रोज़ खाना पीना डालते अपनी जेब से। बाकी वो जो हुआ देखा नहीं मैंने, हाँ सुनने में आया था ऐसा कुछ हुआ, बाद में पता चला मुझे। इनके मामले
मैंने कहा बस ये जो इन्होंने मेरे को बताया वही पता है बस। आपने देखा था कुछ उस टाइम? मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं मैं इसके बारे में कह, जो इन्होंने बताया था वही पता है? हाँ वही पता है बस। हमारा ये मेरे को, मैंने खुद मैंने आंखों देखी कुछ नहीं। अरे वो मेरे को भी कल मेरे से भी लड़ाई झगड़ा कर रहा था, कह रहा तुमने कांग्रेस की टी शर्ट क्यों पहन रखी है? मैंने कहा मेरी मर्जी है, कांग्रेस की टी शर्ट मैंने पहन रखी, अपने पैसों की, तुम कौन होते बोलने वाले? यानी आप कैसे बोल सकते हो किसी को? कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था, कह रहा मैंने अगर टी शर्ट दी होती है तो मैं उतरवा देता। मैंने कहा तू हाथ लगा के देख ले। मतलब सबसे झगड़ा करते रहते हैं वो, पता नहीं उनको पैसे का नशा है क्या नशा है। क्या नाम है आपका? पूजा रानी महेश्वरी। क्या कुछ पूरा मामला है? यही कि वहाँ पे तो बिल्लियाँ थी, मैं उनको खाना डालती थी, ठीक है, उन्होंने उठा के बिल्ली एक तो तिहाड़ जेल के तो छोड़ दी, और एक साल और दो साल बीच पार्क में छोड़ के, तो उसमें से एक तो मैं ली उठा के, और एक को कुत्तों ने मार दिया। तो उसके पीछे इन्होंने बोला भैया ने कि कुछ बिल्लियों को नहीं छोड़ के आओगे क्योंकि ना इनको यहीं पलने दो, तुम खाना वाना कुछ नहीं डालते तो क्यों तंग कर रहे हो? कह रहे हम तो करेंगे और जो तुम्हें करना कर लो। फिर इनको बहुत मारा, पकड़ पकड़ के सब इनको बहुत मारा, और वहाँ पे कम से कम 100-150 जन थे कि किसी ने नहीं बचाया। और उसने कहा ये गली भी मेरी है, ये मोहल्ला ही मेरा है, एमसीडी सब मेरी जेब में है, तुम्हें जहाँ जाना चले जाओ, पुलिस मेरी जेब में, सब मेरी जेब में है, आप मेरा कुछ भी नहीं है बिगाड़ सकते। और हमने स्ट्रीट डॉग पाले हैं चार, कह रहे तेरे इनको कुत्तों को भी घर से उठवाऊँगा, और तेरा यहाँ पे वो जीना मुश्किल है कर दूँगा, हमें भी तंग। उन्हीं की गली में रहते? हाँ उन्हीं की गली में रहते हैं। ये रहा थोड़ी सी दूर है। हाँ जी। वो ऐसे लड़ाई करते रहते हैं सब? हाँ सभी से करते हैं लड़ाई। वो कोई वजह तो होती होगी लड़ने की? कोई वजह ही नहीं है। वो कहते हैं इधर से इस कोने से लेकर उस कोने तक मकान मेरा, तो गली मेरी है ये। हाँ इस गली में मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हारे को मतलब नहीं है। इसके अलावा क्या कुछ देखा था उस दिन? इसके अलावा मतलब और क्या क्या देखा था उस दिन, क्या हुआ था? बस इनको मारा था बहुत, दे मोबाइल, ये पुलिस को फ़ोन करने लग गए तो इनका फ़ोन छीन लिया और उसको दे दिया, बंटी को, अरोड़ा सुपरमार्केट का है बंटी, उसको दे दिया, और उनको फिर भी पीट पीटता चला गया, छोड़ा नहीं इनको, और कह रहा अब तू यहाँ पे आया तो तेरे को जान से मार दूंगा अब तेरे को। देखिए इस मामले में हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो भी इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वो मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के साथ जो है मारपीट की गई, और जो भी जानवर होते हैं उनको खाना देने के पीछे ये सारा जो फसाद है वो देखने को मिला। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।